वो पानी का बॉटल यहाँ पर रख, टोसा जमा बंडी पे, बिस्किट डाले वहां से। ठीक है सर, डब्बे लेके आओ। अरे क्या हुआ रे भाई, चाय देता नहीं देता? दे रहा हूँ मैं, अभी जरा शक्कर नहीं है बच्चा लाने का। फिर ये क्या तुम्हारे बाग के वलीमे में कुर्बानी में डालने रखा रे? चाय दे रहे भाई, जल्दी पहले मीटिंग है पहले यहाँ पे। और कहाँ था हम? हफ्ता इतवार नहीं थी का? हफ्ता इतवार छुट्टी में था बाप। हाँ छुट्टी, 6 महीने से खाली बेकार फिर रहा ना रे, कई की छुट्टी? वैसा नहीं रे, पीठ से जुम्मे तक बेकार फिरता हूँ, हफ्ता इतवार छुट्टी ले लेता हूँ, बेकारी में भी छुट्टी होना ना। चल मामा जरा जा क्या तुम्हें? अरे चाय पार्टीगन से टुकन लेना है, बाद में आके पी ले तो। ठीक चाय दियो यार, गिराका चल जा रे। अरे भाई अपन ये कब तक बेकारी का जिंदगी गुजारेंगे जी? ओ बाप सही बोला, घर में खाना कम गालियां ज्यादा खाना पड़ रहा रे भाई, घर में घुसते की पूछ रहे काम पे गया था क्या बोल के। तुमला फिकर के ऊ कर रहे, मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है जिससे अपन ला तीनों काम कारोबार पे लग जा सकते। क्या प्लान है भाई? आजकल रियल इस्टेट का कारोबार दबा के चल रहा, गजवेल, बुधवेल, नारसिंगी, शमशाबाद, शादनगर, शाहबाद और एक वो कौन सा है, वो बोधगल। बोधगल यहाँ पे दबा के बड़े बड़े वेंचरा चल रहे, हर कोई ये लाइन में आ रहा है भाई। अब आतिफ कुछ देख लो, दुनिया की नोट पकड़े हुआ, अगर अपन लोग अभी ये लाइन में आ गए ना, आखिरी नोट छाप सकते, समझ रहे क्या बोलते? पॉइंट है, सही बोल रहा बाप। सही बात बोले भाई, आतिफ भाई के साथ मिलके अपन भी कर ले सकते जमीनों का। आतिफ के साथ क्यों करते रे भाई, अपना अपन करेंगे। पॉइंट है, सही बोला बाप। हाँ हाँ भाई, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, एक बार आतिफ भाई से मशवरा कर लेंगे, उन्होंने क्या है अपने को कुछ भी अच्छा बुरा रहा तो बताए थे। चल रहे, चल। चल। आतिफ आतिफ करते रहता खाली। साहब फोन तो भी है लोगा। अरे बेकार आए जी, फुगट के चाय पी के दो दो घंटे बैठ के हवा में दोषे डालते रहते खाली, फालतू है। ऐसा पैसे तो लो, अपने काम में आ सकते हैं। चिल्लर नहीं है बॉस। नहीं रहने दो रहने दो। अरे भाई आज से अपन लोगा रियल इस्टेट के बड़े डीलर आए समझो अपने आप। कई बोलते अपन सोच बड़ी रखे तो बड़े बड़े काम आते। देख बाप, रियल इस्टेट और डेवलपर्स बोल के आगे भी अपन प्राइवेट लिमिटेड करा लेंगे, समझ रहे हो ना तुम्हारा। और एक चीज क्या बोले तो अपन लोगों तीनों को मिलजुल के पार्टनरशिप में काम करना है, आपसी इख्तलाफात को दूर रखो, एक दूसरे में एहतियात रखो, मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते? सही है बॉस। हाँ वही। और एक एक बात, अपन ना जो भी काम करे ना तीनों मिलजुल के, उसके अंदर ट्रांसफार्मर रहना जरूरी है। व्हाट ट्रांसफार्मर? अरे वो ट्रांसपेरेंट है रे भाई। वही रे भाई, ट्रांसपेरेंट फार्मर रहना अपन तीनों में, समझ रहे ना तुमला। अरे भाई और एक एक मेन बात, अपन देखो डीलर बोले तो प्रोफेशनल दिखना पड़ता, ड्रेसिंग सेंस, रहन सहन जरा ख्याल करना पड़ता बहुत ये चीज। अरे बेकार बात कर रहा है क्या रे? हल देख रहे भाई, रियल इस्टेट के डीलर बोले तो जरा अपने कपड़े वपड़े अच्छे पहनना पड़ता, जरा अच्छा रहना पड़ता, समझ रहे ना। स्पोर्ट्स शूज डाल लेके रहना 24 घंटे, और खादी के व्हाइट शर्टा सिला लेंगे, मेहमान टेलर नहीं है बड़े बाजार में, वहाँ पे लेके आए खादी का कपड़ा मैं दे देता हूँ। तुमला अपने अपने सिलवट के पैसे दे डालो सिलवाई के। मामू एक काम करो, मेरी सिलवाई के तुम दे दो पैसे, पहली डील सक्सेस होते उसमें से काट दो। इसके वास्ते तेरे को पार्टनर नहीं बना रहा था रे, मैं ये छोटे सोचा है तेरे। हाँ भाई सही बोले भाई, उनको विदा दो, मैं रेडी हूँ पार्टनर बनने। बड़े भाई एक मिनट। हेलो, ये फालतूगिरी का टाइम नहीं हम लोगों के पास, रियल इस्टेट के बड़े बड़े डीलिंगा कराने वाले हम लोग, बहुत बिजी आदमी हम लोग आज से। बड़े भाई मैं भी डीलिंग आज करता हूँ, बड़े बड़े जमीनों के काम करता हूँ, रियल इस्टेट का काम है अपना भी। अरे भाई कुछ भी रहा तो बोलो ना, जमीनों वमीनों का अपन भी करा लेंगे। एक 200 एकड़ जमीन की डीलिंग है कर लेते भाई। 200 एकड़ बोल तो कितनी रहती थी जमीन? बात कर रहे भाई, इन्हें ऐसी चढ़वास कामा करके पूरी गेम खराब कर देता। इसको नहीं मालूम भाई, नया नया है इन्हें। बेटे मैं आपको कितनी बार बोला, जा सुराग दिखावा उंगली नहीं करना बोल के, आपका काम छतरी पकड़ना, आप छतरी पकड़ो नको पकड़ो अब। अरे करा लेंगे ना भाई, 200 एकड़ बोल तो लाइट है मसला, करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े जमीन हो गए डीलिंग करा दिए हम लोग। कर लेते बोलो फिर। अरे भाई 200 एकड़ बोल तो लाइट है मसला, अरे कर लेंगे ना भाई लाइट मसला। लेकिन मैं आप लोगों को पहचान तो नहीं ना जी।
अरे पहचानत का क्या है भाई, मेरे फेसबुक पेज में होंगे, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते होंगे। देखो भाई, मेरा नाम शहबाज खान है, इसका नाम हैदर खान साहब है, इसका नाम आमिर बिन सईद है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मेरे को खैरताबाद खदीर बोलते। खैरताबाद पे रहते नहीं आप? आपको कैसा मालूम? अब भी आप बोले ना खैरताबाद खदीर बोल के। चलो भाई जाना तो होटल में, चलो 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 बेटे छतरी पकड़ के वहां भाई चलिए भाई। भाई बात क्या है बोले तो, 200 एकड़ की जमीन है, वो अपने को बिकाना है, लेकिन उससे पहले थोड़े पैसे अगर अपन खर्चा करें तो ज्यादा पैसे अपने को बच जाते। क्या करना पड़ेगा अपने को? एक वकील साहब को पकड़ के रजिस्ट्रार ऑफिस में थोड़ा पेपरों का काम है, थोड़ा खर्चा आता, अगर वो काम हो गया तो मेरे छत पे क्लाइंट आ है, जमीन मैच बिका देता हूँ। भाई जमीन आपके पास है, क्लाइंटा भी आपके पास है, फिर हम लोग ही क्या जरूरत है भाई? तो खामोश बैठ रहे, तेरे को मालूम ना सालों। भाई मैं क्या बोल रहा था, जब जमीन आपके पास है, क्लाइंट आपके पास है, तो हम लोग ही क्या जरूरत है भाई? पॉइंट है, अच्छा सवाल है। भाई मैं आप लोगों को चाय की बंडी पे बातें करते हुए सुना, देखा आप लोगों को, काम कारोबार से नहीं है, मजबूर है, कुछ काम करना बोल के सोच रहे, मदद करना सोच रहा था भाई मैं आप जैसे जरूरतमंदों की, तो इस वास्ते मैं यहाँ पर आया। अपने पास बहुत कुछ है भाई, पैसा, प्रॉपर्टियां, जमीना, लेकिन मैं लोगों की मदद करना बोल के सोचता हूँ भाई। मैं 2 मिनट में पैसे लगा के काम कर ले सकता हूँ, आप लोगों का हिस्सा दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी एक दो पैसे लगाए, पैसे को पैसे लग के आए, तो क्या है आप लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आप लोगों का फायदा हो जाना बोल के इधर आया था, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। अरे नहीं भाई, बैठो आप, बस बस बैठ जाइए आप, अब आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना बोल दिया बहुत काफी हम लोग के वास्ते, आप खाली अब हम लोगों को बोलो क्या करना है, हम लोग करते। ये हाथ आपके हाथ में दे दिए समझो, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे हम लोग करेंगे, आपकी हिदायत पर चलेंगे हम लोग, खाली बोलो आप क्या करना है। कुछ भी नहीं भाई, मैं बोले जब आप लोग थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर लो, जैसा जमीन की डील हो जाएंगी 3% आप लोगों को दे देता हूँ। साहब ये 3% बोले तो एक अंदाजा कितने आते होंगे? अरे 100 करोड़ की जमीन है, अब आप लोग अंदाजा लगा लो। कितने हो रहे भाई? 3 करोड़। 3 करोड़ के आते मैं मेरे घर के पेपर भी ला लेता हूँ, मैं तो अपने आप को भेज देता हूँ, मैं भी मेरी गाड़ी भेज देता हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ, वकील साहब से बात करके आप लोगों को बोलता हूँ। जी अच्छी बात है, वेट फॉर माय कॉल। साहब बिल्कुल साहब, साहब आइए साहब, बैग दे दो साहब, का फोन ले साहब, का फोन ले साहब। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे मेरे भाया। अब भी एक जमीन की डीलिंग की मीटिंग कर लेके आए, बहुत जल्दी हमला भी करोड़पति बनने वाले हम। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे मेरे भाइयों को। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अच्छा देख लेना रे भाई, रजिस्ट्रेशन है नहीं है, LRS BRS एग्रीकल्चर में है नॉन एग्रीकल्चर में है, सब अच्छा देख लिया ना, कहीं लिटिगेशन की तो नहीं होती? लिटिगेशन की रहे तो नको करो रे भाई, लिटिगेशन के चक्कर में 4 पैसे बच जाते लेकिन बाद में बहुत परेशान होना पड़ता। आओ भाई सब देख लिए, क्या तेरे कुछ मालूम है? समझ रहा नहीं, खाली तू ही डीलिंग करता समझ रहा, हम लोगों को भी सब मालूम है, हमला भी दुनिया का नॉलेज तजुर्बा ले लेके बैठे हुए मार्केट में। अब हम लोग अभी यहाँ से बड़े बड़े जमीनों के डीलिंग कराने वाले। चलो रे भाई, पहले टाइम नहीं अपने पास, बहुत काम है अपने को। चलो भाई का बड़ा मसला है। क्या भाई बहुत तेज जा रहे लोग, वैसी तेजी से वापिस भी आते, कहा जरा मेरा पान तो बनाओ। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मेरे पास आते की पहले मैं गोवा को जाऊंगा, गोवा को जाके मस्त एंजॉय करूंगा, उसके बाद गोवा से आते की जुबलिल्स पे बेहतरीन घर ले लेके लाइफ टाइम एंजॉय खाली। 1 करोड़, मैं तो मेरे चारों गर्लफ्रेंडों को ले लेके दुबई चले जाऊंगा, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे रहूंगा और डेली पार्टियां करूंगा।
खाने तो खाली शाम में दो फॉर्च्यूनर आ, इच्छे दो फॉर्च्यूनर आ, बीच में रोज राइस, रोज राइस में पलाशों के साथ अपन रहेंगे, और खाली डिक्ची की या बाबा अपना मसला समझ रहे तुम दोनों के फील कैसा। भाई का फोन आ। जी भाई हुकुम। अरे मियां भाई, एक बच्चे को भेजा रहा हूँ। जी भाई, जरा उसको एक 10,000 रुपए दियो, उन्हें ठहर के जमीन की साफ सफाई करा लेता। भाई कर लेते। हाँ ठीक है। जी भाई, करके करो। जी भाई, भाई, भाई। क्या हुआ? भाई का था फोन। मामू, अर्जेंट अपने को 10,000 का बंदोबस्त करना है। 10,000? मामू। भाई, भाई दे दिया उनको पैसे। जी भाई, ओके भाई, भाई, जी भाई, भाई अच्छी बात है। अरे भाई, अपन गाड़ी बेच के 10,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन अपन अभी तक जमीन इसने नहीं देखे ना जी, कहाँ है, किधर है, क्या है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम अपने को। पॉइंट है भैया। अरे मामू, आदमी सामने से आया, करोड़ों का ऑफर दिया, हाँ अब अच्छा दिखता अपन। एक छोटी बात पूछे तो, खुदा ना खासा बुरा मान गया था, हुआ भी जाता पुआ भी जाता, पींच पीने का कुंडा तो है नहीं अपने पास। पॉइंट है भैया। फिर भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार अपन आतिफ भाई से मशवरा कर लेंगे, बोल रहा हूँ भाई। अरे तू चल रहे भाई? अरे तुम समझ रहे? मामू, मैं कल रात भर बैठ के एक बात सोचा। क्या? अपन गाड़ी बेच के तो 10,000 रुपए दे दिए, अभी तक अपन जमीन इसने देखे, कहाँ है कि क्या है कि। पॉइंट है भैया। क्या हुआ रे भाई? कल रात में मैं भी यही बात बोला था ना। अरे खामोश बैठ रहे भाई, तेरे को कुछ भी नहीं मालूम। फोन मिला भाई को। अरे भाई का ही फोन आ रहा था। जी भाई, भाई। अरे मियां, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अब एक बड़ा काम है, वो हो गया तो 2 या 3 दिन में डीलिंग हो गई समझो, पक्का। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा, इंशाल्लाह। हमला भी दुआ कर रहे भाई। एक काम करो, आज रात तक 10 लाख का बंदोबस्त कर दो। भाई कर लेते भाई। कल सर्वेर आ रहा, उसको दे दिया तो काम खत्म, फिर सीधा आप लोगों के 3 करोड़ रुपए आप लोग आके ले लो। अच्छी बात है भाई, हमला कर लेते हैं, तीनों मिलके कर लेते भाई। ठीक है, कैश का बंदोबस्त कर लेके मेरे को फोन करो, मैं बोलता हूँ कहाँ भी जाना है। जी भाई। ओके राइट जी, अच्छी बात है भाई। ओके। क्या बोले भाई? मामा, 2-3 दिन में अपन लोग करोड़पति बनने वाले हैं। 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है आज रात तक, 2-3 दिन में बनना करोड़पति। भाई लेकिन आज शाम तक अपन 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसा करते? आप है ना, आप क्या बोले थे? क्या? 3 करोड़? 3 करोड़ के आज से मैं मेरे घर के पेपर हमी ला लेता हूँ। अरे भाई, अरे भाई, उरे भाई नहीं, मैं मेरी गाड़ी बेच दिया, इसको देख, इसको बेचे तो 50 रुपए भी नहीं आते, सुना देख इसकी। अब बचा तू, तू एक काम कर बाप, तुम तुम्हारे घर के पेपरा ला लो, मेरे पास एक मारवाड़ी सेठ है, उसके पास ले जाके पेपरा रखा देंगे, 10 लाख रुपए लाके अपना काम निकाल लेंगे। 2-3 दिन की बात है रे भाई, तू टेंशन कहीं को ले रहा? तुम एक काम करो, हल्लू अलमारी में से पेपरा उड़ा के ला लो, जैसा पैसे आए पहले तुम्हारे पेपरा छोड़ेंगे मामा, और घर के पेपरों के साथ साथ पैसों का लिब्बा भी ले गया के तू अलमारी में रख दिया, तुम्हारे अम्मा बाप भी अगर अलमारी खोले ना तो लिब्बा देख के खुश खुश आते, सोच। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं पहले बोला क्या था, भाग ले ले क्या फौरन।
भाई को फोन करके बोल देता हूँ कैश आ गया बोल के। आओ भाई, एक बार पैसे देने से पहले एक नजर जमीन देख लेंगे, बोल रहा हूँ। सही बोल रहा है भैया जी। ठीक है, मैं आईडिया से भाई को पूछता हूँ। फोन लग रहा, फोन लग रहा। हाँ बोलो मियाँ। भाई हो गया कैश का बंदोबस्त? हाँ भाई हो गया भाई, हमला ला लिए, कैश हम लोगों के साथ ही है, पूरा कैश है भाई। अच्छा एक काम करो, कल सर्वे आ रहा, तुम लोग भी आ जाओ साइट पे, वैसे तुम लोग भी जमीन देख ले सकते। अरे भाई हमला देख के क्या करेंगे भाई, आप देख लिए तो काफी है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है भाई। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। कल तुम लोग भी आओ मियाँ, तुम लोगों को भी मालूम होता। अरे भाई आप इतना बोल रहे तो आना पड़ता है भाई। हाँ ठीक है, सुबह मिलेंगे, 8:30 को इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का। सुबह में आ जाते बनवा, 3 आ जाते जी। अच्छी बात है भाई, भाई जी, भाई जी अच्छी बात है भाई। देख रहे जलील इंसान हो, खदीर भाई खुद सामने से बोल रहे कल आके जमीन देख लो बोल के, और तुम ऐसा भड़का रहे मेरे को खदीर भाई के खिलाफ। मेरे को तो पूरा भरोसा है रे भाई खदीर भाई पे। मेरे को तो खदीर भाई के ऊपर पहले दिन से ही भरोसा है रे भाई, इतना ईमानदार आदमी है वो, ऐसे नेक आदमी मिलते आजकल के जमाने में। बोलो। मेरे को भी भरोसा है भाई खदीर भाई पे, लेकिन एक नजर जमीन देख लिया तो अपने को भी एक समझ आया थी ना भाई, बड़े जमीन को कैसा डील करना बोल के, वो हिसाब से बोला मैं खाली। सही बोला है। ठीक है एक काम करेंगे, कल सुबह ठीक 8 बजे लतीफ की अम्बेसडर लेके निकल जाएंगे, और वो खादी के शटा दिए ना रहमान टेलर के पास सिला ले। हाँ। वो ले लेके आ जाओ, खादी के शटा डाल लेके जाएंगे, जरा अलग दिखता। ठीक है चलो। सही बोले भाई, तेरा नाम बोल के ला लेता हूँ। अब्बा बा 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 बा, कितनी बड़ी जमीन है भाई। ओफो खदीर भाई, इसमें से अपनी जमीन कौन सी है? अरे मियाँ तुम्हारी जहाँ तक नजर जा रही ना, हाँ? ये पूरी जमीन अपनी छे, और इसमें से अपने को 200 एकड़ निकालना है। ये पूरी जमीन आपकी है खदीर भाई? फिर लेकिन वो बीच में से ब्रिज जा रहा सो, और ये बिल्डिंग ऐसा भाई। जो ब्रिज जा रहा ना, हाँ? वो गवर्नमेंट को अपनी दे सो रास्ता ब्रिज बना लो बोल के, और ये जो बिल्डिंग आई है वो है ना, हाँ? ये सब तुम्हारे भाई के छे मियाँ। सही टोप के बैठा बाप खदीर। हाँ बस अब सही भी भाई। हाँ देखो मियाँ, आज से अपने को मिलके बड़े बड़े काम करने का है भाई। तो तुम लोग भी क्या है, हाथ पे एक 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लो, सुने ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट ना कहीं को भाई। अरे मियाँ करोड़ों रुपए का लेन देन है, हिसाब कौन देखेगा, हिसाब कौन देखेगा? पॉइंट है, पॉइंट है। अच्छा मियाँ भाई, वो कैश लाए भाई? कैश रे, कैश दे या तो वापिस आएंगे ना रे। बोले भाई। हाँ भाई, भाई पूरे 10 लाख है भाई, बैग पुराना है। इस्टिया इधर आ बेटा, ये गाड़ी में रखो हिफाजत से। भाई ने लिख जाता? हाँ लेके जाता, लेके जाता। देखिए भाई, हेलो पाशा, जरा सही लियो मार्किंग। जी भाई, इंच में इंच माप रहा हूँ। हाँ सही मापो, सही मापो। अधीर भाई ये कौन है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। अरे मियाँ सर्वेरे मियाँ, वो सर्वेर है वो फिर। अरे मियाँ खदीर भाई, इतने बड़े ऑफिसर से सर्वेर से कैसा लाइट ले लेके बात कर रहे थे। हाँ भाई, अब अपने को भी ऐसी आदत डाल लेना पड़ता, कहीं बोल तो अपने को भी बड़े बड़े लोगों में उठना पड़ता, ऐसी ऑफिसरों को लाइट लेके बात करना, खदीर भाई के साथ बड़े बात करना। हाँ भाई। हेलो पाशा, जरा सही लियो जरा। अच्छी बात है भाई। हाँ मियाँ होता के जाएंगे तुम भाई, आपके साथ रह तो जाएंगे। अच्छा मियाँ देखो जी भाई, जरा अपनी जमीन का सही जायजा लियो भाई, सही कटिंग कहाँ कर सकते भाई, कौन से जगह पे प्लॉट कैसा निकाल सकते भाई, जरा देखो तुम लोग भाई। ठीक है ना भाई? बिल्कुल भाई ठीक है, देखो जरा। अरे मियाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भाई, ये पूरा भरंती दला के पूरा फ्लैट करा के यहाँ पे एक फुटबॉल का जो है अपन वो बनेंगे स्टेडियम, क्या बोलते? जबरदस्त रहता भाई। हाँ। ये पूरा लेवल कराना बोल तो कितने लारियां रेती लगती होंगी भाई। अपने को क्या करना है, खदीर भाई दलाता क्या रे भाई? खाता हूँ। चलो, अरे यहाँ पे एक छोटा फार्म हाउस बनाए तो कैसा रहेगा? मेरा ऐसे सेपरेट लगेंगे। अरे हेलो हेलो, तुमला कौन है यार, हो क्या तमाशा कर रहे इधर? तमाशा बता, तुम ठहरे तमाशा अभी देखो। हेलो सुनो, कैसर को, फेरोज को, रहीम को, अकबर को यहाँ पे ले लेके रेड्डी साहब की जमीन पे उनकी कब्जा करने का, जल्दी आ रहे।
अरे भाई आपको गलत फैमिली हुई सर का दिख रहा। What? फैमिली नहीं है रे, वो फैमी है। वही भाई आपको गलत फैमिली हुई, ये जमीन रेड्डी साहब की नहीं होती, ये जमीन हमारे खदीर भाई की है। उन्हें रे वो खदीर, कहाँ है ने बुलाए इसको? खदीर, खदीर भाई कहाँ है? देख खदीर भाई, ला रे बुला। ला खदीर को, खदीर भाई, खदीर भाई, भाई नहीं दिख रहे ना, जरा देखो। बुला रहे है, फोन कर, फोन कर उसको। पर कर रहा हूँ मैं, अभी कर रहा हूँ। फोन मिला, फोन मिला खदीर भाई। स्विच ऑफ आ रहा भाई, स्विच ऑफ आ रहा। तुम लोगों को भी स्विच ऑफ करना पड़ता। हेलो रे, अरे आतिफ तू यहाँ क्या कर रहा है? रेड्डी साहब भेजा है मेरे को, कोनकी की जमीन पे कब्जा करने आया था ना। अरे आतिफ, अरे तुम ना यहाँ क्या कर रहे रे? अरे यही साले है जो रेड्डी साहब की जमीन पे कब्जा करने आए। अरे गाली गई गुजरा, दोस्ता है मेरे। हाँ भैया सही बोल रहे नो। और इलना ऐसे नहीं होते, हमला बचपने के दोस्त है भाई, सही बोल रहे भैया। मसला क्या है आखिर? अरे रे रे रे, ये क्या करे रे? अब बैगन मिलता है ना तुम लोगों को? हाँ, मेरे घर के पेपर। इसके वास्ते बोलते लालच बुरी बला है और मशवरे में खैर है। एक बार मेरे को बोलना तो सही था यार। अब कैसा करेंगे रे भाई? मैं पूछा इस तुम लोगों को, सब देखे ना बराबर हुए, बोले तो हा 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 बोल के अदाकारियां करके चले गए। एक बार बोलता देना था यार मेरे को। बोलेंगे बोल के रे, बोलने वाले थे रे भाई, बोलने बोलने का। इन्हें रोका मेरे को, पत्ते से मशवरा करने वाला था, इन्हें रोका मेरे को। खैर वो कौन है वहाँ पे ठहरे वासु? उन्हें सर्वेयर है, उन्हें पाशा। जाके जरा उसको पकड़ के ला, उसका ही आदमी दिख रहा है ने। ले गया इसको, ले गया। चल कहाँ है रे तेरा साथी? तीन दिन से छुट्टी पे। कौन? मेरे साथ काम करता साला। उन्हें नहीं रे जो तेरे को यहाँ पे लेके आया, उन्हें कहाँ है? मेरे को क्या मालूम, इन लोगों के साथ ही थे। अरे हम लोग के साथ नहीं रे भाई, ने पहले से लाके मपा रहा था जमीन। सर्वे रे तू? कहीं का सर्वे रे भाई? बेकरी के पास टेलर की दुकान है मेरी। एक आदमी आके खुली जमीन पे शतरंजिया सीना है, बोले तो मैं आया माप लेने के वास्ते, और इन लोगों पकड़ के मेरे को मार दिया भाई। घर के पेपर, मेरे 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 को ना मेरे घर के पेपर। जानते जानते सर फिकर ना करो, कैसा करेंगे बाप अब, सब तेरे तरफ से हुआ। बैगन के बात कर रहा क्या? कौन बोले तेरे? सामने दो फॉर्च्यूनर, पीछे दो फॉर्च्यूनर, बीच में रोल्स रॉयस। तू क्या बोला था? दुबई, बुर्ज खलीफा, टॉप फ्लोर, चार चार गर्लफ्रेंड, अय्याशियां, पार्टियां, नाइट आउट। तू क्या करने वाला था? गोवा को क्या तुम्हारे बाबा जाते? बोले बाबा क्या तक नको जा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ इधर तक गुजर। बाबा के ऊपर कहीं गुजारा है, हम लोग परेशान करा, चारा ने नहीं डाला पूरे पैसे, हम लोग हमारी गाड़ी बेच के जमीन बेच के पैसे लगाए। अरे ठहरो यारो, लड़ ले रे कहीं। अरे सुफ तू जा बाप, मैं देख ले तो दोस्त है मेरे लोग, तुम ला जाओ रे भाई, मैं देख ले तो अपने पहचाना तो वाले। सीनो नो एलोरा, हेलो जाओ तुम ला जाओ पूरा सीनो नो भाई, पहचानते भाई ना। पूरा भाई भाई अब तू ही हम लोगों को बचा सकता है, तू ही कुछ कर सकता है, तू ही बचा सकता है। बचाने वाला मैं कौन हूँ तू रे? हर मुसीबत में बचाने वाला अल्लाह है, दुआ करो अल्लाह से दिल से।
इंशाल्लाह कोई हल जरूर निकलेगा। हेलो, हाँ सही बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुआ खदीर, मिल गया क्या? नहीं रे, तुम लोगों की दुआ कबूल हो गई सरकार दिख रहा। 4 महीने से मेरा काम रुके हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। और तुम लोग परेशान नको, तुम लोगों के पैसे मैं दे दूं। लेकिन इतने पैसे तू कैसा देता? मेरे पास 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं, उसमें से मैं 10% तुम लोगों को देता। गरीब लोगों को और जरूरतमंद लोगों को देता हूँ। और आज तुम लोग जरूरतमंद है और मेरे दोस्तां भी है, तो वो पैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ। लेकिन मेरे 2 बात हमेशा याद रखना। पहली बात, मशवरे में खैर है, और दूसरी बात, लालच बुरी बला है। खैर चलो चलता हूँ, कल आके शाम में पैसे ले ले, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया बाप। भाई भी काम कर लेंगे, घर के पेपर आ देगी। अब से ईमानदारी का कुछ भी काम कर लेंगे बाप, मैं भी कल से काम पे चल जाता हूँ बाप। चुप लोगों को देखा देगी, अरे इन्हें 50,000 कमा रहा, मैं भी वही काम करके 50,000 कमाऊंगा। ये चीजों में लालच में अंदर हो जा रहे बाप। जो मेरे को काम आता, जो मिलता, मैं वो कल से कर ले रहा हूँ। रे भाई तुम्हारा भी अपना अपना काम देख लो बाप। मैं भी कर लेता हूँ।